देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, द रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 1/3 एंड 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो 1/3 एंड 3/4 के बीच में आता है। तो देखिए यहाँ पर हमें इसके लिए हम इन्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1/3 एंड 3/4 को डिवाइड कर लेते हैं। सो 1/3 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0.333 एंड 3/4 करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है 0.75। तो इसमें से कौन सा नंबर जो है वो 0.333 एंड 0.75 के बीच में, ये हमें फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 117/300। तो 117/300 कर लेते हैं तो 0.39 एंड 287/400 करते हैं। सो यहाँ पर 0.7175। तो देखिए स्टूडेंट, यही नंबर जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाता है। 0.39 0.333 से बड़ा भी है एंड इससे छोटा भी है 0.75 से, एंड 0.7175 भी इनसे बड़ा भी है और 0.75 से छोटा भी है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर आएगा, लेकिन हम सारे ऑप्शन सोल्व कर लेते हैं एग्जाम में आपको टाइम बचाने के लिए। अगर आपको आंसर मिल जाए तो बाकी के ऑप्शन छोड़ देने हैं। सो 95/300 0.316। सो यहाँ पर देखिए 0.316 वो 0.333 से भी छोटा है तो ये तो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी है 99/300 0.33। सो ये भी 0.33 भी इससे छोटा है 0.3, सो ये भी नहीं आएगा। एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारे पास है 97/300 इज इक्वल टू 0.323, ये भी 0.333 से छोटा है तो ये भी नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।